हेलो फ्रेंड्स, अब आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ अनअकैडमी पर, जो कि सी टेट, डी प्लस बी या किसी भी टेट में आपकी मदद करेगा। तो आप वो देखें कोर्सेज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू जाकर के आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ मुझसे जोड़ सकते हैं बेहतर कोर्सेज के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम ऑन लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे, एक लास्ट वीडियो है ईवीएस के लिए, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स के लिए, पर्यावरण अध्ययन के। जो हमने एनसीईआरटी का पूरा जो डिस्कशन था अपना कंप्लीट कर चुके हैं हम ऑलमोस्ट, आज लास्ट पेज होगा। उसके बाद ये पीडीएफ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, जो कि हम लोग बना लेंगे कल तक। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, 49 पेज नंबर पर चलते हैं और आज खत्म करेंगे इसको, आज कंक्लूड करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, आप लोग तक पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये हेल्प कर सकती हैं। करते हैं काम की बात, लेसर द बर्डन, जो आज का हमारा काम है। लेसर द बर्डन मतलब इस बुक के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू जो तीनों बुक्स हैं, तीनों थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, जिनको हमने डिस्कस किया है, पेडागॉजी के सेक्शन को हमने डिस्कस किया है और एनसीएफ के कुछ पार्ट को हमने डिस्कस किया है, टोटली एनसीईआरटी के थ्रू बनाया गया था। तो अब हमें से ये समझना है कि भाई बर्डन कम करने के लिए क्या किया है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग। भाई जो डेली टाइम टेबल है टीचर्स का, सिर्फ बुक तो काम करने देगी सारा, उस टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो टाइम है टीचिंग में डिवोट कर पाए बेहतर टीचर्स और एक बेहतर प्रेपरेशन हो पाए। नेक्स्ट है आपका, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्यूएशन विल ऑल्सो डिटर्मिन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। जो मेथड्स आप यूज करेंगे अपने अध्यापन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, टीचिंग के लिए और इवेल्यूएशन के लिए, असेसमेंट के लिए, वो भी डिटर्मिन करेंगे, वो भी निश्चित करेंगे ये बात कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो कितनी इफेक्टिव हो पाई, जो उसका काम था, जो उसका उद्देश्य था, उसमें कितनी वो सफल हो पाई। तो टीचर के मेथड्स, इवेल्यूएशन का तरीका, टाइम टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ बुक ही अपना काम नहीं कर देगी। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल, बिल्कुल ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और टीचर्स का भी एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए स्कूल में, और कहें तो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टेम्पलेशन, वॉन्डरिंग, डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मतलब कि एक हाई प्रायोरिटी दी जानी चाहिए और स्पेस दिया जाना चाहिए, किसके लिए, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कॉन्टेम्पलेशन की, भाई वो विचार कर पाएँ, वॉन्डर कर पाएँ, डिस्कशन कर पाएँ एक दूसरे से और अलग अलग ग्रुप्स में बैठ करके फ्रीली काम कर पाएँ। ऐसे ही उनको आप टास्क दें जहाँ पर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए, बच्चे की एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटीज़ पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड सो दैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाय रोट। भाई जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की, एनसीईआरटीज की स्पेशली, उनको इस तरह से बनाया गया है कि बच्चों को बहुत सारा स्पेस मिले एक्सप्लोर करने का, इंक्वायरी करने का और अपने आप से एक्टिविटी करने का, और वो कंपेल ना हो, मजबूर ना हो रोट लर्निंग या रोट मेमोराइजेशन के लिए कि रट्टे लगाने हैं। इसी वजह से चाहे बुक की लैंग्वेज हो, चाहे उसमें फोटोज लगाए गए हों, चाहे उसमें एक्सरसाइजेस हो, वो सभी चीज़ें इसी तरह से इसी ओर इशारा करती हैं, इसी ढंग से बनाई गई हैं कि बच्चे जो हैं एक्सप्लोर कर पाएँ, इंक्वायरी का जो एक प्रोसेस है या अप्रोच है उनके अंदर जाग पाए, ना कि सिर्फ रट पाएँ, याद कर पाएँ। नेक्स्ट है, रोल ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, स्कूल अथॉरिटीज का क्या रोल हो सकता है, फटाफट से समझते हैं। जितना भी हमने पेडागॉजी सेक्शन किया है उसका एक तरह से निचोड़ कह सकते हो उसको आप। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द स्कूल प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स विल मेक एफर्ट्स टू एनकरेज चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड टू परस्यू इमेजिनेटिव एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस। कि भाई जो प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जो टीचर हैं, ये सब लोग मिलकर के क्या एफर्ट करेंगे कि बच्चों को एनकरेज किया जा सके, वो ताकि बच्चे जो हैं अपने लर्निंग पर प्रकाश डाल पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं और इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ को परस्यू कर पाएं, जो कल्पनाशीलता है उनके अंदर बेहतर बने, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ पाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है स्कूल के पूरे एनवायरनमेंट में, चाहे वो टीचर्स हों, प्रिंसिपल हो, पूरा एक करिकुलम हो, इन सब चीज़ों को इसी तरह से बनाया गया है कि बच्चे एनकरेज हों अपनी लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करने के लिए और इमेजिनेटिव थिंकिंग या एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन शुड जनरेट नॉलेज बाय एंगेजिंग विद द इंफॉर्मेशन पास टू देम बाय देयर अडल्ट्स। इस बात का भी ध्यान रखा गया है बुक में और रखा जाना चाहिए इन जनरल भी स्कूल में,
कि जो बच्चे हैं वो नॉलेज को जनरेट कर पाएं किसके थ्रू, जुड़ के या एंगेज होके अपने अडल्ट्स के साथ, जो उनके अडल्ट्स चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे उनके भाई बहन हैं, चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे सोसाइटी के कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं, उन सबके साथ एंगेज हो पाएं ताकि सोशल डेवलपमेंट भी बेहतर हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बेहतर हो, और जो उनकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है वो अच्छे से हो और रियल एक्सपीरियंस से वो सीख पाए। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट है आपका इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इज पॉसिबल इफ वी परसीव देम एज पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग नॉट एज रिसीवर्स ऑफ अ फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि भाई क्रिएटिविटी को इनकलकेट करना है आपको और इनिशिएट भी करना है अगर पॉसिबल हो तो। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग में, ना कि सिर्फ फिक्स्ड रिसिपिएंट नहीं बनेंगे, बस रिसीव ही करेंगे बैठ करके, मूक लर्नर नहीं बनेंगे, मूक श्रोता नहीं बनेंगे, सिर्फ सुन ही रहे हैं आप, एक अपनी कहानी गाए जा रहे हैं, बच्चे अपनी कहानी में हैं, उस तरह से नहीं होगा। वो इन्वॉल्व हो पाएंगे, पार्टिसिपेंट्स बन पाएंगे लर्निंग में, अधिगम कर्ता बनेंगे एक्चुअल में। नेक्स्ट है द प्रेस्क्राइब्ड नोटबुक शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द सोल बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज दिस इज द रीजन वाई द अदर रिसोर्सेज एंड साइट्स लर्निंग आर इग्नोर्ड। कि मतलब जो एग्जामिनेशन, जो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो भी आपका तरीका है इवैल्यूएशन का, उसमें जो ये टेक्स्ट बुक है इसी को होल सोल नहीं मानना है, यही भगवान नहीं है। इसके अलावा भी आप तरीके अपनाएं ऐसे जो एक्टिव हों, एक्टिव मेथड्स हों, उनको आप प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी में असेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ जो एग्जामिनेशन का बेस है वो आपकी बुक है, कि ये टेक्स्ट बुक है, इससे आंसर रट लो और यहीं से पूछा जाएगा, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से जो बाकी के रिसोर्सेज हैं और लर्निंग साइट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जो टीचर हैं वो किस पर फोकस करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के मैटर पर फोकस करते हैं इवेल्यूएशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है जब वो कर रहे हैं कुछ, तभी आप उनको इवेल्युएट भी कर रहे हैं, उनको जांच भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं, या दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हैं, चेकलिस्ट हैं, बेसिकली पोर्टफोलियोज हैं, इन सब के थ्रू आप एक्टिवली उनको इवेल्युएट भी कर सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट थे। हंसी खेल में हमने खत्म कर दिया है NCF और पैडागॉजी सेक्शन और NCERT नोट्स भी प्रॉपर EVS सेक्शन के। ये 12 से 13 वीडियोस थी, ये 13th वीडियो तो बहुत छोटा था, तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। और ये जो PDF है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल तक आप लोग को 17th अगस्त तक सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके। तो आप लोग ये लाइक करें, और जिन लोगों को दिक्कत है, जिन लोगों ने पूरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं 12, वो लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, EVS की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर देख सकते हैं। और थैंक यू गाइज। और आगे का जो काम है, बेसिकली जो क्वेश्चंस हमें अब प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये जो पूरा जितना भी मटेरियल था नोट्स का वो सब हम कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ EVS के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो वो मैं अनअकैडमी पर बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ एक कोर्स, जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वहां भी जुड़ जाएं, फॉलो कर लें, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू जा करके। देखने के लिए धन्यवाद।